चाहिए ये दो बड़े ओनियन, तो इन्हें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पील ऑफ कर लेंगे। उसके बाद मैं कर रही हूँ इसमें कद्दूकस, जो कि मैं सबसे बारीक वाली तरफ से कर रही हूँ, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है वो रस निकले। ये करना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी, हार्डली 30 सेकेंड्स के अंदर जो है हमने दो ओनियंस को पील ऑफ कर लिया। उसके बाद मैंने लिया एक बाउल और स्ट्रेन करने के लिए मैंने छलनी का यूज किया है। अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है इसे। अब इसके बाद जो इसका बरिद्वा बचा है, इसे आप थिकेना, इसे आप वेजिटेबल बनाते वक्त कोई भी उसमें आप इसे चॉपिंग वाला जो है ये यूज हो सकता है, उसे आप इसे यूज करें, इसे फेंके बिल्कुल भी ना। ये आपका ओनियन जूस निकला है, इसे आप डायरेक्ट भी विद द हेल्प ऑफ कॉटन लगा सकते हैं अपने बालों में, बट अगर डेंडर्स की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस है बालों में, तो बेटर है जो भी आप ऑयल यूज करते हैं, एक घर में बना हुआ जो ऑयल है फॉर हेयर ग्रोथ, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट लगा लें, अदरवाइज ऑनलाइन भी मिल सकता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप उसमें कोकोनट ऑयल की 8 से 10 बूंदे जो है वो मिला लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, मतलब जो रिजल्ट्स है ना वो 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं अगर आप उसके अंदर कोकोनट ऑयल के कुछ ड्रॉप्स जो है वो मिला देते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप प्लेन भी मिला सकते हैं और कोकोनट ऑयल भी मिला सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी मिला सकते हैं, बट बेस्ट जो होता है वो कोकोनट ऑयल होता है। और थोड़ा सा ऑयल मिलने से क्या होता है कि ओनियन की जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत एक्सट्रीम होती है, जिसकी वजह से नॉर्मल कोई व्यक्ति जो है वो बालों में प्याज नहीं लगा पाता, उसकी जो बदबू ही कहूंगी, बदबू को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो कोकोनट ऑयल की जो स्मेल होती है वो उस चीज को दबा देती है, तो आपके लिए लगाना जो है वो उसे इजी होगा। कुछ लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई अब इसे लगाने के बाद हमें कितने टाइम रखना है, अगर हम रात को लगा के सो जाएं, बहुत अच्छी बात है अगर आप रात को लगा के सो जाते हैं, यानी जितने लंबे समय तक आपके बालों में ये रहेगी उतनी ही अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है आज लगा के या फिर बाल धोने के बाद आज लगा लें और 6 दिन बाद आप बालों को धोएं, नहीं, वो चीज जो है क्योंकि उसके अंदर पानी है तो वो जो है आप खुद जानते हैं कोई भी चीज अगर जिसके अंदर नॉर्मल वाटर एग्जिस्ट करता है तो वो चीज खराब हो जाती है अगर पानी पका हुआ ना हो, तो अगर आप उसे बालों में 6 से 7 घंटे से ज्यादा लगा हुआ छोड़ेंगे तो आपके बालों में ओनियन की स्मेल के साथ एक और खतरनाक स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा 6, 7, 8 घंटे तक आप इसे बालों में छोड़ सकते हैं। अगर आप रात को लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बाल धोने से आप 3 से 4 घंटे पहले जो है इसे बालों में लगा लीजिए। अगला सवाल जो आप लोग बहुत ज्यादा ये पूछ रहे हैं कि क्या ओनियन जूस को एक बार बनाकर हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं, इतने आलसी मत बनो, कुछ सेकंड्स लगते हैं। आपने ओनियन लिया, कद्दूकस किया, छन्नी से छाना, चाय छानते हो, चाय तो बनने में फिर भी टाइम लगता है, इसे तो बस कद्दूकस करना है और आपको छानना है और बस बालों में लगा दिया, तो इतने आलसी मत बनो, आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते। रीजन वही है क्योंकि इसमें कच्चा पानी होता है और कच्चा पानी जो है वो खराब हो जाता है। अगर आपने फ्रिज में रख दिया, आप सोचो कि फ्रिज में स्टोर करके रख लूं, तो आपकी फ्रिज की हर चीज के अंदर इतनी जबरदस्त बदबू ये घुसा देगा कि आप बाकी फ्रिज में रखे हुए किसी सामान को खाने की हालत में नहीं रहेंगे, तो इसे स्टोर भी बिल्कुल ना करें। अगला सवाल आप लोग ये बहुत ज्यादा पूछ रहे हो कि भाई ओनियन जूस जो होता है उसे स्कल्प पे लगाना है या फिर पूरे बालों में लगाना, ठीक है, आप अगर उसे खाली अपनी स्कल्प के ऊपर लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप उसे पूरे बालों में लगा रहे हैं तो और अच्छी बात है, यानी कोशिश ये करें कि आप इतनी प्याज ले लें अपने बालों की डेंसिटी के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, कि वो आपके सारे बालों में लग जाए, ठीक है। अगर आपके पास कम है किसी दिन तो कोई बात नहीं है कि आप उसे खाली अपने स्कल्प पे मसाज कर लें, उसे छोड़ दें, बट अगर आप पूरे बालों में लगाएंगे तो एक्स्ट्रा शाइन जो है वो आपके बालों में दिखने के लिए मिल जाएगी। एक और आविष्कार जो आप इसमें कर सकते हो कि भाई महीने में कम से कम 2 बार ओनियन को अगर आप कर्ड के साथ, दही के साथ मिलाकर लगा लेते हैं बालों में, तो ये एक मास्क का काम करता है जिसमें आपके जो बाल हैं वो काले तो होंगे ही होंगे, घने भी होंगे, प्लस दही की वजह से आपके बालों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा शाइन आपको देखने के लिए मिल सकती है। सवाल आप ये लोग पूछते हैं कि भाई ओनियन जूस में ओनियन जो है वो व्हाइट वाले यूज करने या रेड वाले यूज करने, तो देखिए सबसे बेस्ट ओनियंस होते हैं व्हाइट, एक्सट्रीम व्हाइट, 3 कैटेगरी के होते हैं, एक बिल्कुल ही रेड होते हैं, एक रेडिश व्हाइट होते हैं और एक व्हाइट होते हैं, तो अगर प्रॉपर व्हाइट ओनियंस अगर आपको मिल जाते हैं कहीं से तो उन्हें अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा, मतलब इवन वो बहुत सारी दवाइयों में
में भी यूज किए जाते हैं, तो वो वाली अगर यूज करेंगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो सेकंड लेवल की है रेडिश वाइट जिन्हें कच्चा प्याज बोलते हैं, वो प्याज बहुत अच्छी रहती है बालों के लिए। और अगर नहीं मिलती तो पकी हुई लगा ली, नाक उसे तो कुछ भला है, बट अगर आप लगा रहे हैं बालों में तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला सवाल ये पूछते हैं बहुत सारे लोग कि मैम इसे बाल कितनी जल्दी लंबे हो सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर कोई ऐसा चमत्कारी वो नहीं है कि आपने इसे बालों में अपने चिपकाया और उसके बाद इसने तुरंत जो है बालों को लंबा खींच खींच के करना शुरू कर दिया, पॉसिबल नहीं जी। इसमें आपको टाइम लगेगा, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको इसे रेगुलर यूज करना है और उसके बाद आप इसमें रिजल्ट एक महीने में देख लेंगे, इस बात की पूरी श्योरिटी है। एक महीने बाद आप इसके रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। और आप इसे कॉटन की हेल्प से अच्छे से पूरे बालों में लगा लीजिए, ये बन गया आपके हेयर फॉल के लिए एक कमाल का घरेलू नुस्खा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली ओनियन जूस की जो रेसिपी आपके बड़े काम की होगी। भाई मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, जितने भी व्यूअर्स है जरूर इस वीडियो को देखें, और जिन्हें आपको लगता है ना आपके आसपास किसी के बाल सफेद हो रहे हैं समय से पहले, या फिर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर बालों की लेंथ अच्छी नहीं है, डेंसिटी अच्छा नहीं है, वॉल्यूम अच्छा नहीं है बालों में, तो प्लीज आप इसे अप्लाई करें। और यकीन करें अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं कि इसके रिजल्ट बहुत औसम है। और भाई कुछ लोग ओनियन नहीं खाते हो तो ये बात, ये टैबलेट्स भी तो नहीं खाते हो, टैबलेट्स के अंदर भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपको पता ही नहीं होती। तो भाई कुल मिला के आप इसे अप्लाई कर लीजिए, कुछ नहीं जा रहा है आपका। आप ये सोच के अप्लाई कर लीजिए कि कोई आप सिरम है या फिर कोई आप टेबलेट है जिसे खा रहे हो, जिसे आप अपने बालों में लगा रहे हो, बट हाँ स्मेल काफी स्ट्रांग होती है। तो अगर अच्छा होगा अगर आप इसे रात को लगा के सो जाते हैं, बट अगर आप इसे रात को लगा के नहीं सोते हो ना, तो फिर आप ऐसा करिए कि आप इसे सुबह धोने से पहले बालों को अपना 1 से 2 घंटे पहले लगा लीजिए, और फिर उसके बाद किसी भी नॉर्मल शैम्पू से जो केमिकल फ्री हो, प्लीज केमिकल फ्री शैम्पू जो है वो आप यूज करें। और प्लीज कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताना कि रिजल्ट कैसा रहा।